पेच पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी फंसा हुआ है, जिसका हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नीतीश कुमार बिहार के गुत्थी को सुलझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर एक असमंजस की स्थिति अब बन गई है। मायावती के साथ क्या किया जाए? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बीजेपी वर्सेज ऑल हो। कांग्रेस ये चाहती है कि मायावती को भी इंडिया गठबंधन में किसी तरह लाया जाए, क्योंकि वरना ये जो 80 सीटों की लड़ाई है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, ये 80 सीटों की लड़ाई कभी मकाम तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि एक तीसरा त्रिकोण में एक कोना बीएसपी का रहेगा। यानी कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी को किसी तरह से हम ऑन बोर्ड लाएं, लेकिन अखिलेश यादव इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि मायावती को भी शामिल करना क्या अच्छा फैसला रहेगा, उन्होंने कहा फिर बाद की गारंटी कौन देगा, यानी वो अविश्वास के साथ देखते हैं मायावती को। तो फंसा हुआ है यूपी का भी पेच इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग। श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं, जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है, जो इसी प्रकार आगे भी बराबर बना रहेगा। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है, और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने खुल्लम खुल्ला मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया था। मायावती को बुआ बनाकर गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। मायावती ने भी अखिलेश को भतीजा और डिम्पल को बहू बताया था। लेकिन राजनीति का तकाजा गजब है। गठबंधन टूटा तो रिश्तों की डोर भी टूट गई। तभी तो 2024 की पटरी पर दौड़ रही गठबंधन एक्सप्रेस में अखिलेश यादव ने मायावती के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैं कहा बाद का भरोसा कौन। इधर अखिलेश यादव ने मायावती की नीति और नियत को लेकर प्रहार किया। बोले मायावती की कोई गारंटी नहीं, नतीजों के बाद किस पाले में दिखे। अखिलेश ने गारंटी की बात कही तो मायावती ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नाम अपनी गारंटी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए वह इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं। मायावती ने जबरदस्त हमला बोला, गेस्ट हाउस कांड का चैप्टर खोला और तो और अपनी सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप जड़ दिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी ब्रिज पर है, और अगर आप इस ब्रिज को देखेंगे तो ये मायावती का दावा है कि अखिलेश सरकार के दौरान इस ब्रिज को बनाया गया था। ये ब्रिज आपको बंदरिया बाग से कैंट कनेक्ट करता है, यानी कि मोटे तौर पर हजरतगंज के एरिया से विधानसभा की जगह से आपको ये ब्रिज कनेक्ट करता है सीधे कैंट की तरफ। और अगर आप इस ब्रिज को देखेंगे तो अभी आपको ये काफी कुछ कवर्ड नजर आ रहा होगा, लेकिन जब उस वक्त ये बनाया गया था तो ये इस तरह से कवर्ड नहीं था, ये पूरा खुला हुआ था, और जो आपको ये जमीनी सतह पर बैरिकेड दिख रहा है केवल यही बैरिकेड था। पर अब क्योंकि सरकार बदली है उसके बाद इसको ऊपर कराया गया। इसी पुल के बहाने मायावती ने समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र को लेकर योगी सरकार से बड़ी अपील करता। इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है।
मायावती के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब आया। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस दिए थे वो पूरे माने थे मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ, और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, सबसे कम समय में ये पुल बना था जिसमें रेलवे डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था। और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। अखिलेश ने मायावती को लेकर अपने पत्ते खोल दिए तो मायावती ने अखिलेश पर अपने पत्ते खोल दिए। दोनों के विचार का सारांश यही है कि एक साथ दोनों विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी यूपी में कांग्रेस के दो नाव पर एक साथ पांव रखने के प्लान पर ये नेता पानी फेर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीद में है। मैंने बोला ना कि जो आज देश की स्थितियां परिस्थितियां हैं, जो आज जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, भाजपा के विधायक बलात्कार में सजा पा रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आईटी की बिटिया के साथ बलात्कार में भाजपा के लोग हैं, पूरी तरीके से आज किसान आत्मदाह कर रहा है, कल उसका मुझे लगता है शायद वो कल उसका शरीर भी छूट गया, शांत हो गया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस समय आपस में कोई जुबानी जंग न करके सबको मजबूती से खड़ा होना चाहिए, सबके साथ आपस में बैठकर बात करें लोग। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग वरिष्ठ लोग हैं, देश हित में राष्ट्र हित में निर्णय जरूर लेना चाहिए। आपको उम्मीद है कि सपा बसपा कांग्रेस तीनों साथ आएगी? अब देखिए, हमारा अपना काम है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्लान है ऑल विपक्ष बनाम बीजेपी। इसी प्लान के तहत एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है कांग्रेस, लेकिन बयानबाजी से यही लगता है कि बात अभी बनी नहीं है। विपक्षी खेमे में अपनी घमासान पर विरोधी गदगद हैं। सपा सरकार के समय एक ब्रिज ऐसा बनाया गया था जो उनके निवास स्थान तक एकदम जो सुरक्षा है उसको समस्या हो सकती थी, या तो जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के कारनामे हैं, उनका तो बस चलता तो वह स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय ही बहन मायावती जी को मतलब इस दुनिया में रहने नहीं देते। लेकिन हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ही बहन जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा करके लड़ाई लड़ी थी, तब उनकी जान बची थी। तो अखिलेश जी पर किसी को भरोसे नहीं है। दो बार बसपा से गठबंधन किया, दो बार कांग्रेस से किया, दो बार लोकदल से किया, एक बार निषाद पार्टी से किया, एक बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पटता है, दूसरे को क्या कहेंगे। मायावती कहती है कि दलित विरोधी है, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें अखिलेश। सही उन्होंने कहा है। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने। मायावती के लिए बीजेपी की हमदर्दी के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने यही कहा था कि दिन जब अच्छे आएंगे और उत्तरायण में ही सब अच्छे काम शुरू होते हैं, जब सूर्य उधर पहुंच जाता है। मतलब यूपी में भी विपक्षी गठबंधन की राह में फूल कम कांटे ज्यादा है। आइए इसी पर बातचीत करते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से ही जुड़ रहे हैं। अभिषेक, के क्या कोशिश है कांग्रेस पार्टी की? क्या वाकई उन्हें लग रहा है कि मायावती इतने दिनों के बाद अब अचानक 2-3 महीने पहले इंडिया गठबंधन में साथ आ जाएंगी, या ये कोई तरीका है अखिलेश यादव को उनकी जगह दिखाने का ताकि कुछ सीटें ज्यादा आए उनकी झोली में? देखिए, आपने जो दोनों बातें कही हैं, दोनों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई मुझे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये गठबंधन हो जाए, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब कम से कम समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ नहीं आने जा रहे हैं। जिस तरीके से आज मायावती ने अपनी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर दिए, और पिछले 2-3 दिनों से जो बयानबाजी हुई है, ट्वीट्स हुए हैं, इसने एक तरीके से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर इस रिश्ते को पहुंचा दिया है। अखिलेश यादव और मायावती के बीच सियासी रिश्ता मुझे तो अब कम से कम 2024 तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहीं पर कांग्रेस पार्टी को भी एक होप दिख रही है, और वो आशा यह है कि अगर उनके प्रयास से शायद ऐसा हो जाए कि मायावती किसी भी तरीके से आ जाएं, क्योंकि याद करिए कि कल ही जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के नए,